नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी आईक्यू में। मैं हूं आपका दोस्त राहुल सायगांवकर और आज हम लोग एक करंट अफेयर से रिलेटेड डिस्कशन करने वाले हैं। हम लोग बात करने वाले हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट के बारे में। हाल ही में डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने एक स्कीम या फिर एक इनिशिएटिव लॉन्च किया है जहां पे डिजिटल वर्जन ऑफ पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपको मिलेगी। ये EPLI बॉन्ड स्कीम है जिसको डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अनाउंस किया है। तो हम लोग इस पर्टिकुलर चर्चा में देखेंगे ये EPLI बॉन्ड स्कीम क्या है, इससे आपको फायदा क्या मिलेगा, क्योंकि आई एम क्वाइट श्योर कि बहुत सारे लोगों ने इंडिया पोस्ट में अपनी इंश्योरेंस पॉलिसी जरूर ले रखी होगी। लाइक लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, रूरल हेल्थ इंश्योरेंस पॉलिसी हो गई, एग्रीकल्चर पॉलिसी हो गई, बहुत सारी। इंडिया पोस्ट की जो रीच है वो हर जगह पे, इनफैक्ट मैं कहूंगा रूरल एरियाज में इंडिया पोस्ट इज वन विच इज प्रोवाइडिंग द बैंकिंग सर्विसेज, इजंट इट। वहां पे आपने इंश्योरेंस जरूर ले रखा होगा, तो आपके ऊपर भी इस चीज का एक इम्पैक्ट जरूर पड़ेगा, आपको काफी फायदे मिलेंगे इस पर्टिकुलर स्कीम के। तो हम लोग समझेंगे ये बॉन्ड स्कीम क्या है, इसकी बेनिफिट्स को समझेंगे और यहाँ पे ये भी समझेंगे कि ये जो इनिशिएटिव है इसको इंडिया पोस्ट या फिर डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने किसके साथ कोलैबोरेट करके बनाया हुआ है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन हम लेंगे इस पर्टिकुलर लेक्चर में। लेकिन उससे पहले अगर आप कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, देन आई वुड अर्ज यू टू विजिट studyiq.com या फिर डाउनलोड करें हमारा गूगल प्ले स्टोर से, सो दैट यू नो मोर अबाउट अस एंड अवेल आर प्रोग्राम्स। चलिए चर्चा शुरू करते हैं एक ऑब्जर्वेशन के साथ। आई एम क्वाइट श्योर कि आपने इन चीज़ों को जरूर देखा होगा। अगर आप एस्पिरेंट है, प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आपने देखा ही होगा। इन जनरल भी आपने बहुत सारी चीज़ें सुनी होंगी ई गवर्नेंस के बारे में, राइट? ई गवर्नेंस में कैसे हम लोग रिसोर्सेज को अच्छे से यूटिलाइज करते हैं, टेक्नोलॉजी को कैसे, टेक्नोलॉजी का एडवांटेज कैसे लेते हैं, कैसे प्रोसेस को इम्प्रूव करते हैं और कैसे पीपल इन्वॉल्वमेंट करते हैं इन द ई गवर्नेंस। पीपल इन्वॉल्वमेंट इन द सेंस इंटीग्रेट पीपल विथ IT सो दैट पीपल टू पीपल इंटरफेस रिड्यूसेस, जिससे करप्शन कम होगा, प्रोसेस अच्छे से होगा, जल्द से जल्द लोगों को सर्विसेज मिलेंगी, राइट? आपने सुना होगा इस चीज को। हमारा ऑलरेडी नेशनल ई गवर्नेंस प्लान भी चल रहा है। इसके अलावा सरकार का एक मोटो भी है, मैक्सिमम गवर्नमेंट एंड मिनिमम गवर्नेंस। यहाँ पे ई गवर्नेंस आपको काफी मदद करेगा और इसी के चलते ये एक अच्छा उदाहरण बनेगा जो हम चर्चा कर रहे हैं आज। ये आपके लिए करंट अफेयर से उदाहरण बनेगा इन योर मेन्स आंसर राइटिंग ऑल्सो। इस ई गवर्नमेंट और ई गवर्नेंस इनिशिएटिव को आगे बढ़ाने के लिए डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने हाल ही में लॉन्च किया है EPLI बॉन्ड स्कीम और द डिजिटल वर्जन ऑफ PLI पॉलिसी बॉन्ड ऑन द आजादी का अमृत महोत्सव, दैट इज 75 ईयर्स ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस हुआ। अभी हम सब लोगों को EPLI बॉन्ड अवेलेबल मिलेगा डिजी लॉकर के ऊपर। तो क्या हुआ है, जैसे कि मैंने आपको बताया कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपना एक प्रीमियर ई गवर्नेंस में पार्टिसिपेशन किया हुआ है। डिजिटल इंडिया प्रोग्राम हमारा चल रहा है तो उसमें योगदान कर रहे हैं डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट। 12 अक्टूबर को ये लॉन्च हुआ। 12 अक्टूबर मैं आपको क्यों बता रहा हूँ, क्योंकि एग्जाम के दृष्टिकोण से इस तारीख को अगर आप याद रखोगे तो अच्छा रहेगा। 12 अक्टूबर को इंडिया में पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस डे सेलिब्रेट किया जाता है, इसी को कमेमोरेट करते हुए ये लॉन्च किया गया। अब क्या होगा, अभी हम सब लोगों को, हम लोगों ने अगर पॉलिसी की है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट में, तो हमें एक EPLI बॉन्ड मिलेगा। ये डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट कर रहा है इन कोलैबोरेशन विद डिजी लॉकर। अब डिजी लॉकर इनिशिएटिव को हैंडल करते हैं नेशनल ई गवर्नेंस डिवीजन अंडर द मेटी, मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी IT, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंडर आता है। अब ये डिजी लॉकर एग्जैक्टली है क्या, देखिए आई एम क्वाइट श्योर कि आपने डिजी लॉकर को सुना होगा, बहुत सारे व्यूअर्स जानते होंगे इस चीज को। अगर आप नहीं जानते तो डिजी लॉकर एक ऐप है आपके मोबाइल पे, सिंपल सा एक डिजी लॉकर अगर आप सर्च करोगे तो वहाँ पे ऐप आएगा, वहाँ पे रजिस्ट्री कीजिएगा। इनफैक्ट मैंने अपने डिजी लॉकर का यहाँ पे पिक्चर डाला हुआ, यू कैन सी हियर वेलकम राहुल सायगांवकर एंड प्लीज रिमेंबर हियर, डिजी लॉकर के ऊपर जो भी डॉक्यूमेंट्स इशू होंगे दे विल बी एट पार विथ ओरिजिनल डॉक्यूमेंट्स एज पर द IT एक्ट 2000। तो जैसे आप डिजी लॉकर में जाओगे, आप अपना आधार वगैरह एनरोल करोगे, तो आपको कुछ इस तरह की स्क्रीन दिखेगी जहां पे आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की सर्विसेज, स्टेट गवर्नमेंट की सर्विसेज, एजुकेशन, इंश्योरेंस, बहुत सारी पॉलिसीज या फिर बहुत सारी डिपार्टमेंट्स जो रहेंगी उनका डेटा मिलेगा। वहां से आप अपनी पॉलिसी को अपने डायरेक्टली मोबाइल में ले सकते हो या फिर किसी भी डिवाइस में ले सकते हो, विच इज द डिजिटल वर्जन ऑफ योर डॉक्यूमेंट। अगर आप सेंट्रल गवर्नमेंट यहाँ पे स्क्रॉल करते हुए जाओगे, यहाँ पे अभी आपको एक एंट्री एडेड मिलेगी। जब भी ये प्रपोजल एक्सेप्ट किया जाएगा बाय डिजी लॉकर, आपको यहाँ पे इंडिया पोस्ट एक मिलेगा जहां पे आप अपनी पॉलिसी डाउनलोड कर सकते हो। इनफैक्ट वहां पे भी जा सकते हो। यहाँ पे जो एजुकेशन दिख रहा है इसके नीचे आप जाओगे तो वहां पे एक इंश्योरेंस है। इंश्योरेंस में ऑलरेडी बहुत सारे प्राइवेट प्लेयर्स प्रोवाइड कर रहे हैं ये इंश्योरेंस पॉलिसी, आगे चल के डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट भी यहाँ पे प्रोवाइड करें। तो सिंपल सी चीज है, अभी आपको ये जरूरत नहीं पड़ेगी कि आपको एक फिजिकल पेपर लेके मेरी पॉलिसी बतानी, नहीं, इट इज नॉट नीडेड नाउ। आपको जरूरत नहीं है कि आप कोई फिजिकल पेपर पॉलिसी लेकर जाए, आप अपनी डिजिटल पॉलिसी लेकर जाएंगे तब भी डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट आपका काम कर दे।
ये कैसे बेनिफिट करेगा? अब आप सोच रहे होंगे सर इसका फायदा क्या है, ये तो काफी हैसल चीज है। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इससे काफी बेनिफिट्स मिलते हैं। कस्टमर के लिए क्या बेनिफिट मिलते हैं? इंश्योरेंस बॉन्ड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट है। हेल्थ इंश्योरेंस हो गया, लाइफ इंश्योरेंस हो गया, एग्रीकल्चर इंश्योरेंस हो गया, बहुत सारी इंश्योरेंस पॉलिसीज जो होती है, आपकी पॉलिसी डॉक्यूमेंट आपको ले जानी पड़ती है अगर आपको कुछ क्लेम करना है। और बहुत बार ऐसा होता है कि पॉलिसी काफी लंबी पॉलिसी आपने ली है, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी आपने 20 साल पहले ली है, पॉलिसी का डॉक्यूमेंट आपको मिल नहीं रहा है लेकिन पॉलिसी का नंबर आपके पास है, देन यू हैव टू गो थ्रू ऑल द हैसल्स इन द पोस्ट ऑफिस। लेकिन अभी वो नहीं होगा, अभी आपको पॉलिसी बॉन्ड डिजिटल फॉर्मेट में मिलेगा। अगर आप मल्टीपल चीजें हैंडल कर रहे हो, जैसे कि रूरल पोस्टल लाइफ इंश्योरेंस हो गया, आपकी एंडाउमेंट एश्योरेंस हो गई, चाइल्ड पॉलिसी हो गई, युगल सुरक्षा हो गई, ग्राम प्रिया सुरक्षा हो गई, कोई भी सुरक्षा होगी, आपको डायरेक्टली आप डिजी लॉकर में आप उसको डाउनलोड कर सकते हो। तो बहुत बार ऐसा होता है कि फिजिकल कॉपी मिसिंग होती है, जैसे कि मैं बोला अगर 20 साल पुरानी पॉलिसी है तो, और पॉलिसी जिसके नाम पे है अगर उनकी डेथ हो गई है तो उन्होंने कहीं पॉलिसी डॉक्यूमेंट रखा हुआ है लेकिन आपके पास नंबर है पॉलिसी का, आपको क्लेम करनी है उनकी जो इंश्योरेंस है, राइट? अगर आप नॉमिनी है तो आप कैसे क्लेम करोगे अगर बस फिजिकल डॉक्यूमेंट ही नहीं है? तो अभी आप डिजिटल कॉपी से उसको डायरेक्टली इंश्योरेंस को क्लेम कर सकते हो। तो एक तो कस्टमर्स को काफी फायदा मिलेगा इस चीज का, डिपार्टमेंट को भी काफी फायदा मिलेगा। अब डिपार्टमेंट में टेक्नोलॉजी को आप इस्तेमाल करोगे, यहाँ पे आप जो डिजी लॉकर का क्यूआर कोड है वो रीड करोगे और इमीडिएटली आपको पॉलिसी की सारी डिटेल मिल जाएंगे। इनफैक्ट दिस इज गोइंग टू रिड्यूस अ लॉट ऑफ हैसल बोथ फॉर पोस्ट ऑफिस एज वेल एज द कस्टमर। इनफैक्ट अगर आपके दिमाग में कुछ सवाल है तो ये एक डॉक्यूमेंट है ईपीएलआई बॉन्ड को डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने दिया, जहां पे आपको सारी इन्फॉर्मेशन मिलेगी। इनफैक्ट यहाँ पे कुछ एफएक्यूज उन्होंने आंसर किए हुए जो हम लोग कुछ पढ़ते हैं, विच वुड बी वेरी यूजफुल फॉर यू अगर आपके पास पॉलिसी है, राइट? कौन डाउनलोड कर सकता है पॉलिसी? ऑल एग्जिस्टिंग पॉलिसी होल्डर्स एज वेल एज न्यू पॉलिसी होल्डर्स, दे कैन डाउनलोड द डिजिटल कॉपी, राइट? और आपको समझना है ये डिजिटल कॉपी है क्या। ये डिजिटल कॉपी कोई स्कैन्ड कॉपी नहीं है, ये डिजिटल किया गया, यानी कि डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने अपने सारी पॉलिसीज को डिजिटलाइज कर दिया है और वो आपको मिलेगी डिजी लॉकर प्लेटफॉर्म। जैसे कि मैंने आपको बताया कितनी पुरानी पॉलिसी आप कर सकते हो, यहाँ पे पूछा गया है कैन आई डाउनलोड पॉलिसी बॉन्ड्स दैट आई हैव परचेज्ड इन द ईयर 1990 और अर्लियर। एब्सोल्युटली यस। कैन आई डाउनलोड मल्टीपल पॉलिसीज? बिल्कुल यस, यू कैन डाउनलोड ऑल दीज थिंग्स। और आपको ध्यान रखना है अगर मैं उस डिजिटल कॉपी का, मेरे डिजी लॉकर का अगर मैं प्रिंट लेके जाऊं, इज इट वैलिड? प्लीज आप ध्यान रखिएगा नो, क्योंकि इट इज ई गवर्नेंस इनिशिएटिव। तो डिजिटल कॉपी इज ओनली वैलिड इफ प्रेजेंटेड इन अ डिजिटल फॉर्मेट फ्रॉम द डिजी लॉकर ऐप इटसेल्फ। प्लीज इसको याद रखिएगा, सिंस इट इज डिजिटल फॉर्मेट, आपको लग रहा होगा कि आप उस डिजी लॉकर का स्क्रीनशॉट लेंगे, उसका प्रिंटआउट लेंगे, उसको यूज कर सकते हैं, नहीं, इट इज डिजिटल इनिशिएटिव। इसके अलावा और भी कई सारे सवाल यहाँ पे आंसर्ड है। अगर आपके पास पॉलिसी है तो आप इन चीज़ों को पढ़ सकते हो और क्लैरिटी ले सकते हो अबाउट दिस ई पी एल आई बॉन्ड। तो काफ़ी अच्छी मुहिम छेड़ रखी है डिपार्टमेंट ऑफ पोस्ट ने, जिससे कि द प्रोसेस विल इम्प्रूव अ लॉट। आई विल शेयर दिस डॉक्यूमेंट विथ यू ऑन माई टेलीग्राम चैनल। मेरा टेलीग्राम चैनल उसी आई डी से है, @rahulsai222। दैट इज इट राइट नाउ ऑन दिस पार्ट ऑफ डिस्कशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। जय हिंद।